कद्दू की सब्जी तो आपने बहुत बार बनाई होगी और खाई भी होगी, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी एक स्पेशल सब्जी बनाना, जो कि बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये हलवाइयों जैसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसका टेस्ट इतना अमेजिंग होता है कि अगर आप इसे एक बार खाएंगे तो इसे बार बार बनाएंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी लाइफ विद सारिका। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए आप हरा कद्दू ले तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप लाल भी ले सकते हैं। कद्दू की सब्जी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम कद्दू लिया है। इसको मैंने छीलकर काटकर धो लिया है। अगर इसमें इस तरह से थोड़े से छिलके रह जाएं तो कोई बात नहीं, वो खाने में ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। 4 बड़े टमाटर, 1 टुकड़ा अदरक का, लेकिन आज मेरे पास अदरक नहीं है तो मैं नहीं डाल पाऊंगी। 2 हरी मिर्च, आप चाहें तो 2 लाल भी ले सकते हैं। 3 चम्मच किशमिश, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच मेथी, 1 छोटा चम्मच अमचूर और 2 बड़े चम्मच धनिया और सौंफ का पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 छोटा चम्मच मिर्च, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम ले सकते हैं, और 1 बड़ा चम्मच तेल या रिफाइंड, जो भी आप खाते हैं छौंक लगाने के लिए, और 100 ग्राम के करीब गुड़ का टुकड़ा। इसमें आप गुड़ ही डालें, उससे ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब हम एक बारी तले का कुकर लेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। अब हम इसमें 1 चुटकी हींग डालेंगे। कद्दू में हींग जरूरी डलता है, लेकिन अगर आप नहीं खाते हैं तो ना डालें। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा और 1 छोटा चम्मच मेथी डालेंगे। जीरा चटकने के बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया और 1 छोटा चम्मच मिर्च डालकर भूनेंगे। आज को आप थोड़ा कम कर दें, मेरा इंडक्शन कम नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। और अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और इसको भून लेंगे। ध्यान रखिए, आप टमाटर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ मसाला भूनना है, नहीं तो इसमें शाही पनीर का टेस्ट आ जाता है। अब हम इसमें 2 हरी मिर्च काटकर डाल देंगे। ये देखिए, हमारा मसाला भुन चुका है और टमाटर हमारे वैसे के वैसे ही हैं। अब हम इसको एक बार अच्छे से चला देंगे ताकि ये मसाला ना जले, और इसमें जो हमने कद्दू के पीस काट कर रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से चला देंगे। इस सब्जी में पानी नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, बाद में तो इसमें काफ़ी पानी निकल जाता है। अब हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और जो हमने गुड़ का टुकड़ा लिया है वो तोड़कर इसमें डाल देंगे। गुड़ आप इसमें पहले ही डालें, क्योंकि फिर वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, बाद में वो पीसेस के अंदर अच्छे से नहीं लगता। अब हम अच्छे से चलाकर इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे। ऐसे तो इस सब्जी में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आप सेफ्टी के लिए थोड़ा सा पानी इसमें डाल दें, क्योंकि कितनी बार हमारे कुकर में अगर सीटी नहीं आती है तो हमारी सब्जी जल जाती है। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और तेज आंच पर इसमें कम से कम 3 से 4 सीटी लगाएंगे। ये देखिए, मैंने इसमें 4 सीटी लगाई हैं और इसमें कितना पानी निकल गया है। आप कद्दू की सब्जी चाहे किसी तरह से भी बना लें, लेकिन उसमें पानी निकलता ही है, या फिर अगर आप खुले बर्तन में बनाते हैं तो उसको आपको बार बार चलाना पड़ेगा। अब हम इसमें 1 चम्मच अमचूर डालेंगे और जो हमने किशमिश ली थी वो सारी किशमिश हम इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इस पानी को सुखाना पड़ेगा। इससे पहले हम इसमें 1 चम्मच गर्म मसाला भी डाल देते हैं ताकि वो सब इसी में मिल जाए। गर्म मसाला बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें। कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता तो कुछ लोग नहीं डालते हैं। अब हम इसका पानी सुखाएंगे तो हम इसको तेज आंच पर रखेंगे। पूरी के साथ कद्दू तो सभी घरों में खाया जाता है, इस बार आप इस तरह से बना कर देखिए, ये इतना लजीज लगता है कि आप अपना पुराना टेस्ट भूल जाएंगे। ये देखिए, इसे रखे हुए मुझे पूरे 2 मिनट हुए हैं और इसका काफ़ी पानी सूख गया है। आप इसको अच्छे से चला लें, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ना घोटें, क्योंकि इसमें इस तरह के जो पीसेस रह जाते हैं उसी तरह से ये टेस्टी लगता है। ज़्यादा घुटा हुआ ही ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। और हमारा लजीज मज़ेदार कद्दू बनकर तैयार है, और अब हम इसको सर्व करेंगे। और अब हम इसको सजाएंगे किशमिश से। ये किशमिश इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और 2 हरी मिर्च भी लगा देंगे, कुछ लोगों को काफ़ी ज़्यादा तीखा पसंद होता है।
अब आप इसे चाहे पूरी के साथ खाइए या पराठे के साथ खाइए, ये मज़ेदार सब्जी तैयार है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसे लगी, आप इसे ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर भी करें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे का बटन दबाना वो तो बिल्कुल ना भूलें। मैं सारिका, मिलती हूँ एक नई वीडियो में। बाय।